हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको रेडिश बनाना सिखाऊंगी। रेडिश कैसे बनती है इस चीज़ को देखिएगा। रेडिश बनाने के लिए क्या करते हैं, रेडिश जब बनाइए तो हमेशा ध्यान रखिए कि पंच पे या पेपर पे आपको ऊपर के पोर्शन पे थोड़ा स्पेस इतना होना चाहिए जहाँ उसकी लीफ अच्छे से बन सके। तो हम रेडिश बनाने के लिए नीचे हाफ पंच का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से देखिए बनाएंगे। ये हम थोड़ा सा सीधा ही बना रहे हैं, देखिएगा इस तरीके से। यह रेडिश बनाने के लिए जैसे जिसको नहीं बनाना आता वो कैपिटल लेटर का वी बना करके इस तरीके से ये ऐसे वी बना करके भी रेडिश बना सकता है, ठीक है। और उसके बाद इसको यहाँ से हल्का सा गोल कर देते हैं ऊपर से, ठीक इस तरीके से। और उसके बाद हम इसको सही आकार देते हैं। तो ये देखिए इस साइड की जब हम करेंगे तो इस तरीके से लाइन, फिर हम इसको ठीक कर लेते हैं और फिर इधर से ये पूरा यहाँ से गोल करते हुए यहाँ पे ये इस तरीके से आते हैं और यह धीमे धीमे इसकी नीचे कम होती जाती है और ये पूरा नीचे तक इस तरीके से हो जाता है। और इसको करने के बाद ये लाइन हम रफ़ कर देते हैं, जो हमने हल्का सा वी शेप दिया था उसको रफ़ कर देंगे। और रफ़ करने के बाद हम बीच के पोर्शन को हल्का सा इरेज करेंगे। यहाँ पे इरेज करने के बाद हमको लीफ बनानी है, इसलिए हमें यहाँ पे हल्का सा ये देखिए यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ के इसको अंदर से ये दिखाते हैं इस तरीके से। और दिखाने के बाद यहाँ से हमको बनानी है लीफ। तो लीफ बनाने के लिए सबसे पहले हम बीच की लीफ बनाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ये लीप बनानी है, ये यहाँ पे सीधा ही होना चाहिए। और उसके बाद दूसरी लीप बनाएंगे तो हाफ लीफ हम इसके नीचे ढकी हुई दिखाएंगे। तो इसको यहाँ से ऐसे करके लीफ हमेशा ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली रहनी चाहिए। इधर साइड भी एक लीफ हम दिखा देंगे, वो भी हाफ दिखाएंगे। हाफ दिखाने के लिए इस तरीके से बनाएंगे और एक लीफ हम नीचे गिरी हुई दिखाएंगे, ये इस तरीके से। ये यहाँ पे ये यहाँ पे हो जाएगा, ये आपकी लीफ कंप्लीट हो जाएंगी। और इसको इसमें टच कर देंगे, फिर लीफ में बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये यहाँ पे। और सब सारी लीफ में ऐसे एक एक लाइन बीच में ड्रॉ करते जाएंगे, क्योंकि हमको बाद में फिर शेडिंग करने के लिए यहाँ पे इधर से शेडिंग करेंगे। तो लीफ इसमें रेडिश में शेडिंग सीधी सीधी ही होनी है। तो पहले हम इधर थोड़ा सा ऊपर की साइड शेडिंग जो होगी वो हल्की सी गोल होगी ऐसे यहाँ पे इस तरीके से। सिक्स बी पेंसिल का यूज़ करते हुए यहाँ पे इसकी ऐसे ये हल्की सी गोल शेडिंग दिखाते हैं। ये पेंसिल को थोड़ा सा राउंड लेते हुए चलाना है आपको, बस इतना। उसके बाद करने के बाद यहाँ से ये बाकी शेडिंग जो आपकी है ये सीधी सीधी शेडिंग होगी यहाँ से। रेडिश के आउटसाइड साइड जो है पहले आपको पेंसिल चलानी है, ये इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, और इधर फिर थोड़ा सा लाइट होती जाएगी। एक साइड थोड़ा डार्क रहेगी और एक साइड लाइट रहेगी। इसको पूरी शेडिंग ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगी आपकी। इसको थोड़ा सा और डार्क कर देंगे, ये इस तरीके से पूरी आपकी ये हो जाएगी शेडिंग कंप्लीट। और लीफ में जो हमने लाइन ड्रॉ करी है बीच में, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए इसीलिए ड्रॉ की थी कि हाफ लीफ की शेडिंग इस साइड से होगी और हाफ उस साइड से, ये इस तरीके से। पेंसिल थोड़ा सा फ्लो में चलाइएगा जिससे कि ये शेडिंग क्लियर आए। ये इस तरीके से सारी लीफ में आपको ऐसे ही करना है।
ये आपकी ऐसे शेडिंग हो जाएगी। जब शेडिंग हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, 10B पेंसिल से ये फिर से हम लाइन जो है बीच वाली डार्क करेंगे, और डार्क करने के बाद हम यहाँ पे ऐसे ये लाइन डार्क कर लिया, और फिर पतली पतली लाइनें हमको इसमें ऊपर से डालनी है ये इस तरीके से। यहाँ पे आप पतली पेंसिल का यूज़ करिएगा जिसमें कि ये लाइनें सब पड़ेंगी। इसी तरीके से आपको सारी पेन उसमें रेडिश में आपको शेडिंग करनी है, और इसके बाद इसकी 10B से आउटलाइन कर दीजिएगा ये, और यहाँ पे ये हल्की सी ये दिखानी है आपको इस तरीके से। ये हो गया आपका ये, आपकी रेडिश इस तरीके से कंप्लीट है। ओके।